की बहू देखो ये 36 का कपड़ा दिया है साइज 38 का है पैच कहाँ सिलाऊं इस कपड़े का मैं मोहित मोहित गुड न्यूज गुड न्यूज क्या हुआ अब मेरी छुट्टियां मंजूर हो गई रियली हाँ पूरे 15 दिन की पता है अब मैं 15 दिन एकदम फ्री चलो मेरी मानो तो 15 दिन के लिए ना कहीं हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम बना लो डैडी जी ऑलरेडी सोच लिया है मम्मा 15 दिनों के लिए हम हिल स्टेशन जा रहे हैं हाय 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 बेटा मैं यही सोच ही रही थी कि बस मुझे कंपनी मिल जाए एक्सक्यूज मी मम्मा हम मतलब मैं और मोहित जा रहे हैं हिल स्टेशन व्हाट डू यू मीन हम मतलब मैं और मोहित जा रहे हैं हिल स्टेशन घर में इतना सब काम है कौन करेगा वेकेशन का टाइम है कौन हेमा जाने दो जवान बच्चे हैं अब ऐसे बुढ़ी दिख रही हो तुमसे तो बात ही करना बेकार तो मत करो लेकिन वो मेरी एक मिनट और तो जैसी हरकतें मत करो सास बहू के बीच में हमेशा नाक डालती हूँ मम्मा प्लीज व्हाट मम्मी प्लीज वेकेशन का टाइम है अभी मेहमान आते जाते रहते हाँ तो अभी तो कोई मेहमान नहीं है ना और ना ही आने वाला है हेलो हेलो अरे अरे हाँ बेटा कैसे हो नमस्ते नमस्ते हाँ मोहन अरे 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 सफर कर रहे हो अरे क्यों सफर कर रहे हो भाई अच्छा अच्छा सफर मतलब ट्रैवल कर रहे हो अच्छा इसलिए आवाज क्रैक हो रही है नहीं नहीं बेटा जरूर आओ अरे हम लोग घर पे है ना तुम्हारी काजल भाभी तुम्हारी बहुत खातिरदारी करेगी इनफैक्ट हमने उससे 15 दिन की छुट्टी ली हुई है आ जाओ बेटा आ जाओ बिल्कुल आ जाओ अरे काजल भाभी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी ओके बेटा चलो खुश रहो खुश रहो कौन आ रहा है मम्मी जी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी मेरा भांजा खास भांजा वेकेशंस के लिए आ रहा है मोहन मोहन ओहो काजल क्या है खेला क्यों रही हो क्योंकि तुम्हारी मम्मी ना मेरी 15 दिनों की छुट्टियां बर्बाद करने पर तुली हैं तो तुम मेरी नींद क्यों बर्बाद कर रही हो क्योंकि तुम ना कभी मेरी तरफ से अपनी मम्मी को नहीं हड़काते हो अरे अपनी मम्मी से कह नहीं सकते थे कि मम्मी मेरी बीवी को बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टियां मिली हैं तो प्लीज उसको ऑफिस की छुट्टियां एंजॉय करने दीजिए बोल नहीं सकते थे ऐसे वो तो हार्डली 2-3 दिन में चला जाएगा उसके बाद तो हम लोग फ्री हैं प्रॉमिस क्या प्रॉमिस यही कि मोहन के बच्चे को तुम 2 दिन में भगा दोगे बोलो हाँ भगा दोगे ये मैं नहीं बोल सकता हटो मैं जानती थी कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते प्यार ठीक है अगर एक पति को अपना प्यार साबित करने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ेगी तो 2 दिन क्या बात है डार्लिंग मैं उसको 1 दिन में भगा दूंगा हाय सच्ची हाँ और क्या मोहित यस यस डार्लिंग यस पहले देख तो लो कि है कौन बाहर हाँ देखता हूँ कहाँ से नहीं मोहित मर गए तुम यही रुको सब गड़बड़ कर दोगे देखना मैं कैसे उसको बाहर के बाहर उल्टे पांव वापस भगाती हूँ हेलो हेमा आंटी 5 मिनट लेट हो गया बस 5 मिनट पहले ही चली गई वो तो कल ही मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ और वो क्या हुआ कि हाँ बताया था उन्होंने वो क्या हुआ कि सुबह सुबह ना गांव से फोन आ गया उनके तो उनको फौरन निकलना पड़ा अच्छा एनी आइडिया वो कब तक आएंगे 15-20 दिन तो बहुत आराम से लग जाएंगे उन्हें 15-20 दिन माय गॉड ठीक है मैं चलता हूँ आप उनसे कह दिया कि मैं आया था श्योर ओके कौन है मोहन ओ मोहन अरे बाप रे खुश रहो अभी तू तो बिल्कुल नहीं बदला अरे तो आप भी कहाँ बदले अरे नॉटी देख तेरी काजल भाभी कब से तेरा इंतजार कर रही है काजल भाभी कहाँ अरे ये कौन सामने खड़ी है लेकिन ये तो मोहन भैया कैसे
मजाक है और नहीं तो क्या. अरे नहीं पहचाना मोहित. Hey bro, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी काजल भाभी तुम्हें दरवाजे से पकाना चाहती है. नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. कैसे हो? एकदम फिट. और बताओ वापस कब जा रहे हो? What? How rude? अभी तक ठीक से बैठा ही नहीं और तुम पूछो कब जाओगे वापस? मामा मेरे पूछने का मतलब था कम से कम एक दो दिन तो रुकोगे या शाम को ही कहोगे मैं जा रहा हूँ. एक दो दिन नहीं अरे पूरे 15 दिन रुकने के लिए आया हूँ. 15 दिन कम है तो मैं 15 दिन और रुक जाता हूँ. तो ऐसे ही मेरे पास कोई काम धाम कहाँ है. मैं नौकरी की तलाश में हूँ. अरे एक इंटरव्यू और दे लूंगा. गुड 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 गुड. ये क्या गुड 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 कर रही हो? अरे अपने देवर जी को चाय कॉफी नाश्ता टी वगैरह दोगी या ऐसे ही खड़ी रहोगी? हाँ भाभी आपके हाथ की सारी रेसिपी मैं टेस्ट करके ही छोड़ूंगा. क्यों नहीं जरूर जरूर. हाँ जरूर जरूर जरूर. आ मोहन कमरे में चलते हैं. कमरे में ओके ओके यू टेक केयर ऑफ हिमा. थैंक गॉड. बाप रे तुमने 15 दिन की छुट्टी ले ली वरना उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आती. हाय मोहिनी कैसी है तू? कैसी बात कर रही है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे आ ना. अरे पागल इनफैक्ट मेरी मम्मी जी तुझसे मिलकर बहुत खुश होंगी. मम्मी मतलब सासू माँ. हाँ हाँ बेहिचक जल्दी आना. ओके किसका फोन है? मेरी कजिन है ना मोहिनी वो आ रही है वेकेशन पर यहाँ. वाओ ग्रेट क्या घर है ब्रो. एकदम 5-स्टार होटल है ना. लेकिन इसमें और होटल में एक फर्क है. कैसा फर्क? यहाँ तुम्हें सारा काम खुद ही करना पड़ेगा. क्यों वो किस लिए? अब तुमसे क्या छुपाना हमारे यहाँ कोई काम वाली नहीं है. अब मम्मी तो कल ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेहमान मेहमान वगैरह आ जाए तो उसे झाड़ू पोछा करवा लेंगे. झाड़ू पोछा? अरे डरो मत पगले तुम तो भाई हो अपने तुमसे थोड़ी झाड़ू लगवाएंगे. थैंक गॉड. तुम कपड़े धो लेना चुपचाप. नहीं ठीक है मैं बोल दूंगा मम्मी से कि मोहन कपड़े नहीं धोएगा. थैंक यू सो मच ब्रो. बर्तन है थोड़े से कर लेना और क्या. क्या बात कर रहे हो? ये भी नहीं देखो अब तुम रिश्तेदार हो इसलिए तुम्हें चॉइस दे रहा हूँ. आदमी तो तुम्हें पता ही है खाना बना लेना और क्या. ब्रो मैं यहाँ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया हूँ यार. तुम एंजॉय करने आया हो तो फिर घर में आने की क्या जरूरत थी? किसी अच्छे से 5-स्टार होटल में जाना चाहिए था. होटल में? हाँ अब हमारा ही 5-स्टार होटल जहाँ मैं शेफ का काम करता हूँ. बहुत अच्छा होटल है. अब कुछ है वहाँ जिम पब डांस. अच्छा सब कुछ सब. यहाँ तो तुम्हें रहने के लिए अलग कमरा भी नहीं मिलेगा. दादाजी के साथ शेयर करना पड़ेगा. नो हाँ और वो क्या है ना बेचारे रात भर खांसते रहते हैं. अब उम्र भी हो गई है क्या कर सकते हैं. ए ब्रो तुम्हारा होटल किधर है? क्या तुम होटल में रहोगे? Come on, chill आंटी, chill. Actually, मोहित ब्रो कह रहे थे कि उनका होटल बहुत अच्छा है. अरे मोहन यहाँ रह जाओ बेटा अब हमारे घर में क्या कमी है? Yeah. नहीं नहीं कमी किसी बात की नहीं है बस काम वाली नहीं है. मम्मी एक्चुअली मोहन कुछ दिन वेकेशन में आराम करना चाहते. तो जाओ मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो. हाँ हाँ दादाजी के कमरे में आराम के साथ साथ तुम्हें योगा भी सीखने को मिलेगा. यस हाँ हाँ मैं तुम्हें योगा भी सिखा दूंगा. लेकिन दादाजी आपकी खांसी अब कैसी है? मुझे कब खांसी हुई थी? देखा देखा तुम्हें मेरे दादाजी कितने स्ट्रॉन्ग हैं. ओके बस 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 नाउ जस्ट कट दिस शॉर्ट. तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा. ये अपना बैग लेके अंदर जाओ. काजल बेटा तुम ये खंबे जैसे क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाओ और गरम गरम नाश्ता लेके आओ. हाँ लेकिन वो क्या वो किचन में ना ढेर सारे गंदे बर्तन पड़े और आज तो चंपा भी नहीं आई है. डोंट वरी काजल अगर मोहन यहाँ ठहरता है तो. नो नो मैं नहीं ठहरने वाला. आई एम गोइंग. आंटी बाय. बाय अंकल. बाय दादाजी. बाय भाभी. मोहित ब्रो कम. काजल दीदी. मोहिनी बिल्कुल चीकू जीजू. वाह
चीजू, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने हैंडसम हैं। बाल दीदी बड़ी लकी हैं आप, क्या हैंडसम हस्बैंड पाया है। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरे देवर है। What? Hi. हाँ, in fact, मेरे handsome husband तो वो है। चीजू, चीजू कैसे हैं आप? ठीक हूँ। चलो मोहिनी, मेरे कमरे में चलते हैं। हाँ दीदी, मुझे ना जोरों की भूख लगी है। जोरों की भूख लगी है? Don't worry, मम्मी जी, मेरी कजन के लिए ना चटपटा सा नाश्ता बना दीजिए। मैं तुम्हारे कजन के लिए चटपटा नाश्ता क्यों बनाऊं बेटा? क्यों? मैं भी तो आपके भांजे के लिए नाश्ता बना रही थी। चलो मोहिनी, मम्मी हमारे कमरे में ले आएंगी नाश्ता। चलो चलो। दोनों बिल्कुल बहने लगती है। है ही बहने। चले मोहन, होटल राव, होटल जाना कैंसल। क्यों क्यों क्यों? अब तो मैं दादाजी के साथ क्या किचन में कॉकरोचों के साथ भी सो सकता हूँ। दादाजी, हाँ, रूम किधर है? बेटा मोहन, सुनो तो बात। हाँ ग्रेट, लगता बिल्कुल तुम्हारे खानदान का है। या लेकिन है बहुत अच्छा। या कभी सास कभी बहु, कभी सास कभी। हेमा, हेमा मेरी क्लाइंट आने वाली है 5 बजे, प्लीज सारे कपड़े आयरन कर दो फटाफट फटाफट फटाफट। कौन है? कौन है? मैं हूं। तुम ही हो सकती थी, आई स्वेयर। ओके ओके, सुनो जरा गौर से सुनो। एक मिनट बोलो। वीरू, तुम्हारी बहू काजल जो है ना, मेरे साथ बहुत गेम खेल रही है। इतनी रात को गेम खेल रही है, उसको बोलो सुबह खेलने के लिए। वीरू, गेम मतलब घटिया चाल चल रही है मेरे साथ। चेस खेल रही है? रियल होश में। और गौर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। इतनी रात को 1 बजे नहीं सुनोगे तो तुम्हारे 12 बजा दूंगी। एक मिनट बोल। काजल ने जानबूझकर अपने कजिन को यहाँ वेकेशन पे बुलाया है। सुनो क्यों? वीरू, ताकि मेरे भांजे मोहन की मेहमान नवाजी ना करनी पड़े। काजल ऐसा नहीं कर सकती, कम ऑन। वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है ये मुझ पर छोड़ दो। ओफो, तुम्हारे सास बहू के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। तुम्हारे झगड़े ना तुम सुलटाओ, प्लीज मुझे सोने दो। ठीक है, सो जाओ। मैं मोहन से कहकर ना उस लड़की को यहाँ से भगाती हूँ। म्यूजिक ऑफ कर दिया। कम ऑन, पुट ऑन द म्यूजिक। कम ऑन, कम ऑन। नॉट कम ऑन, कम ऑन मोहन, तुम अंदर कैसे हैं? पैरों से, आई मीन म्यूजिक। भाभी म्यूजिक जैसे ही मेरे कानों में पड़ता ना, मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अब तो म्यूजिक बंद हो गया है ना, इसलिए तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। एक बात बताओ मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत के कमरे में बिना परमिशन घुसते हुए? औरत? परमिशन? भाभी कमान, आप लोग तो अपने हो। क्यों मोहिनी? यस मोहिनी, आई मीन नो नो। मोहन आउट। ओके ओके, आई एम गोइंग। वैसे मोहिनी, यू आर रियली गुड डांसर। थैंक यू। बाद में मिलते हैं। यस मोहिनी, नहीं नो, जाओ। <No. laughs>
यस नो हो रहा था। एंड बाय द वे, उस लड़के से बच के रहना। क्यों? क्यों क्या, बहुत खतरनाक है वो लड़का। दीदी फिर आप ही बताइए ना मुझे क्या करना होगा। उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करनी होगी। क्या? अरे मोहन तुम कहना क्यों नहीं मानते मेरा, उस लड़के को यहाँ से भगाओ। नो आंटी। ठीक है फिर तुम मोहित वाले होटल में जाके सो जाओ। किसी बात कर रही है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। शाबाश शाबाश बेटा, तुम उस लड़की को इतना सताओ कि शाम तक वो यहाँ से चली जाए। ओके। कभी सास कभी बहु कभी सास। Now it's too much. सीटी बजाना कोई शरीफ लड़कों वाला काम नहीं होता। नहीं जाने मन। तो यहाँ कौन से शरीफ खड़े हुए हैं? तो फिर ठीक है। What? क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि तुम्हें देखकर तो कोई साधु संत भी सीटी बजा देगा। अरे कपड़े देखे अपने, हुलिया देखा अपना, तुम्हें देखकर तो कोई भी साधु संत सीटी बजा देगा। बेशरम। चार्मिंग, मवाली, लवली, आवारा, अप्सरा। अरे इडियट, क्या कर रहा है? वही जो आपने कहा था। आई कांट बेयर दिस। नो 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 नो, इस लड़के ने मेरी बहन के साथ जो बिहेव किया है ना, इट्स रियली हॉरिबल। मम्मी जी आप अभी अपने भांजे से बोलिए कि ये घर छोड़ के चला जाए। How dare you speak to my bhanja like this, Kajal? Why? ऐसी कोई बात होती है? Do talk to your own cousin. अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? अरे कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कर रहे। ये काजल की जो कजिन है ना, मेरे फूल जैसे भांजे को तंग कर रही है ना। राम कितना झूठ बोल रही है आप मम्मी जी। दादाजी इनफैक्ट मम्मी जी का ये जो भांजा है ना, मेरी फूल जैसी कजिन को ना सता रहा था। That's absolutely wrong, काजल। अरे अरे रुको रुको रुको, अरे ये क्या उम्र है तुम दोनों की झगड़ने की? हाँ इससे अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाकर आपस में सुलह कर लो। हाँ अरे डैडी जी क्या कह रहे हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? आई थिंक दादाजी इज राइट। यस नहीं मोनी, अगर तुम में हिम्मत है चलो मेरे साथ घूमने। हाँ ठीक है चलो चलो, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हो। हाँ देखना तुम भी क्या याद रखो। मोहन टेक केयर बेटा। बताओ रात के 12:30 बज गए हैं, पता नहीं मेरी फूल जैसी कजन को ये गुंडा मवाली कहाँ ले गया होगा। एक्सक्यूज मी, गुंडा? मेरा भांजा गुंडा तो तुम्हारी कजन गुंडी। डैडी जी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने क्यों मेरे भांजे को उस छिछोरी लड़की के जाल में फंसा दिया। छिछोरी? आपने मेरी कजन को छिछोरी बोला मम्मी जी। ठीक है फिर आपका भांजा भी गुंडा बदमाश लुच्चा। Now listen to me, Kajal. इतना सन्नाटा क्यों? आपने साइलेंस बोला। ओके ओके, ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम लोगों की ईगो की वजह से हो रही है। क्या बक रहे हो? यस मैं सही बकता हूँ, आई मीन सही कह रहा हूँ। तुम्हें ना काजल की कजिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सरासर झूठ है। ये सरासर सच है, हकलाओ मत बीच में तुम। रात को तुमने मुझे कमरे में नहीं कहा था कि किसी भी तरह से कल काजल की कजिन को इस घर से बाहर निकलवा दो। हे राम, ची 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 ची। देखा कैसी है तुम्हारी मम्मी। क्या देखा, तुमने भी तो ऐसा ही किया था। क्या चुप करो तुम। ओ तुमने भी तो बोला था मोहन को फुटा दो यहाँ से। फुटा दो? She said फुटा दो। She's so down market. हेमा आंटी। अरे आंटी की बच्चे तो यहाँ आ इधर। आंटी कहाँ था तू सवेरे से? आपने कहा था ना उस लड़की को सबक सिखाने के लिए, मैंने आपका काम कर दिया। What do you mean? क्या क्या तुमने, क्या क्या तुमने मेरी कजन के साथ? भाई तो वो मेरी कजन है कहाँ इस वक्त? मैं यहाँ हूँ दीदी। वो
मोहिनी तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। दीदी मैंने कहा था ना कि मैं इस लड़के को ऐसी सजा दूंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। अरे ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? एंगेजमेंट। क्या? हाँ दीदी, दीदी मैंने सोचा कि इसके लिए इससे बढ़कर सजा और क्या हो सकती है कि मैं इससे शादी कर लूं? इसको सताने का इससे अच्छा आइडिया क्या हो सकता था कि मैं इसका हस्बैंड बन जाऊं? पता है दीदी, हमने तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके फॉर्म भी भर दिया है शादी का। यस, और ठीक एक महीने के बाद आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस। किस लिए? हम दोनों को किस लिए? अरे भाई, बतौर विटनेस हमने आप दोनों का नाम लिखवा दिया है। ओह, हेमा और काजल अवस्थी। वेल, ये सब कुछ हुआ है तुम दोनों की ईगो प्रॉब्लम की वजह से। अगर तुम दोनों के बीच में ये ईगो प्रॉब्लम नहीं होती तो ये बेचारे दोनों तो यहाँ से 15 दिन में जा चुके थे। अब भुगतो तो इनको 1 महीना। 1 महीना? मोहन, मोहनी, वो क्या है ना कि हम सोच रहे थे कि हम हमेशा के लिए यहीं सेटल हो जाएं इस घर में।